हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माई स्मार्ट टेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के भी बता देता हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीडन। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में विकसित किया गया पहला सर्च इंजन का नाम क्या था? दोस्तों, इसका आंसर होगा आर्ची, ठीक है। तो आर्ची इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? भारत का पहला जैविक खेती वाला राज्य आपको बताना है, तो ये होगा, इसका आंसर सिक्किम होगा, ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, किस देश में च्युइंगम खाने पर बैन लगा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर ऐसा देश है जहां पर च्युइंगम खाने में बैन लगा हुआ है, ठीक है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा रामेश्वरम, जो पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहाँ है? बहुत दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर होगा हबीबगंज, जो MP में पड़ता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, भारत मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा लंदन में दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, लैप्स के सिद्धांत के तहत किस राज्य पर सबसे पहला कब्जा हुआ था? इसका आंसर होगा सतारा, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अर्थ आवर का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड फंड नेचर के द्वारा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं, क्या है, कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? कौन सी नदी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, रक्तचाप के रख रखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ पर है? तो इसका होगा हरियाणा आंसर, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर का अस्पताल है कहाँ पर है? तो हरियाणा में है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने विजबॉट ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, टाडोबा अंधारी राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में है? टाडोबा अंधारी राष्ट्रीय रिजर्व किस राज्य में है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस? इसका आंसर होगा 4 मार्च को, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा पंजाब, गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बोलते हैं दोस्तों, एशिया का पहला डॉल्फिन केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, एशिया का पहला डॉल्फिन केंद्र ये स्थित है पटना में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? फ्लिपकार्ट क्या है दोस्तों? तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो ई कॉमर्स कंपनी है उसमें से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। इसकी स्थापना बिन्नी बंसल और सचिन बंसल के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुजरात होगा, यहाँ पर पहला छूट गया है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, पहला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम भारत में पहली बार कब आयोजित किए गए थे? कॉमनवेल्थ गेम भारत में पहली बार, इसका आंसर होगा 2010 में आयोजित किए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका गुफाएं कितनी प्राचीन है? ये कम से करीब करीब 40,000 साल पुरानी है, ठीक है। भीमबेटका गुफाएं 40,000 साल पुरानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो मंगल शब्द है किस प्रकार के वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका होगा आंसर मैंग्रोव। दोस्तों आपको पता होगा मैंग्रोव कहाँ स्थित होते हैं, सबसे बड़ा कहाँ इसकी है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी इसकी पाई जाती है, सबसे बड़ा, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों, ये रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में सजेशन दीजिएगा और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। और दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो पर आए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।